नागौर के डीडवाना रोड पर हुई लूट की वारदात में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हालांकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए लुटेरों तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है। आपको बता दें कि व्यापारी अरविंद अपने पिता के साथ दुकान से घर लौटा था। इस दौरान दो बदमाशों ने बंदूक की नोक पर उनसे बैग छीन लिया, जिसमें 1,75,000 रुपए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आज हम दुकान मंगल करके रात को लगभग 11 बजे घर को जा रहे थे। रास्ते में दो बदमाश मोटरसाइकिल पे आए, उन्होंने हमें ओवरटेक करते समय गिरा दिया कट मार के। बाद में वापस आते समय हमें तो क्या बराबर संभले नहीं, उस समय पहले उन्होंने रिवॉल्वर काट ली और हमें बताया कि भैया हमें बैग दे दो नहीं तो हम आपको गोली मार देंगे। तो इस वक्त मैंने बचाव पक्ष में लिए बैग को मतलब पड़ोस की बाउंड्री में डालने का प्रयास किया, लेकिन वो बैग पड़ोस की बाउंड्री में नहीं गिरा बल्कि बाहर की तरफ गिर गया। वापस मैं उस बैग को संभालने के लिए गया तो उस समय छीनाझपटी में मेरे को उन्होंने धक्का देके मुझे नाले में गिरा दिया और बैग लेके